A very good morning to our students and welcome to my channel Edufly Jainee. So today we are going to discuss the questions on Plant Kingdom. We are going to revise this chapter, Plant Kingdom, as I have discussed this chapter with you all. So today we are going to solve some important questions related to Plant Kingdom. So see first questions. Meiosis in Dryopteris takes place by. First of all, you have to know Dryopteris is nothing but male ferns. Okay. According to this, what in which their meiosis takes place? What is the formation? Spore formation, gametic formation, spore germination, zygote formation. देखिए अगर आप मेरा notes देखेंगे male ferns में ये सारे गलत हैं. Spore formation के through meiosis होता है. Spore formation कैसे होता है? मैं आपको बता रही हूँ. Spore mother cell होता है पहले. And then it forms spores, and that spores with the help of germination it forms prothallus. Prothallus में क्या होता है, both male and female organs होते हैं, gametes होते हैं उसमें. And then prothallus by gametic fusion it forms zygote, and that zygote forms main plant body. Fine. So meiosis in this takes place through this. This is the tabular form, that is sporangium. Sporangium में होता है ये process. Spore mother cells, spores form होगा, germination से prothallus होगा, then again gametic fusion होगा, then it forms zygote, and that zygote forms main plant body. Okay. So मैंने पूरा फॉर्मेशन दिखा दिया कैसा स्पोर फॉर्म होता है. सो द ऑप्शन विल बी स्पोर फॉर्मेशन. नेक्स्ट, समटाइम्स ए लेडर लाइक स्ट्रक्चर इन स्पायरोगायरा इज फॉर्म्ड ड्यू टू. लेडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ऐसा लेडर जैसे सीढ़ी की तरह, तो वो क्यों होता है? लेटरल कंजुगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन एंड डायरेक्ट कंजुगेशन. देखो ये और ये हुए नहीं. टू टाइप ऑफ कंजुगेशन. कंजुगेशन क्या होता है? इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स. जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है थ्रू कंजुगेशन ट्यूब. आपको मैंने पढ़ाया होगा कंजुगेशन का, आप उसमें जाइएगा बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में, मैंने बैक्टीरिया के ऊपर बताया था. कंजुगेशन ट्यूब फॉर्म होता है इसमें, कंजुगेशन में, ठीक है. तो टू टाइप ऑफ कंजुगेशन होते हैं, स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन एंड लेटरल कंजुगेशन. तो अकॉर्डिंग टू द स्पायरोगायरा दिस टेक्स प्लेस थ्रू स्कैलेरिफॉर्म कंजुगेशन, ठीक है. इसके बारे में डिटेल्स आप मेरे नोट से पढ़ लीजिएगा, और बाकी कंजुगेशन के बारे में तो मैंने डिटेल्स दिया ही आपको, ठीक है. सो लेट्स से दिस क्वेश्चन. इन विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट्स हैविंग वैस्कुलर टिश्यू एंड लैकिंग सेल्स. तो मैंने आपको बताया था टेरिडोफाइट्स के बारे में. टेरिडोफाइट्स जो है दे आर वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स एंड दे आर सीडलेस. मतलब सीड नहीं होता उनमें, ठीक है, सीडलेस होता. एंड दे हैव वैस्कुलर टिश्यू. यू नो वैस्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक. ये आप मेरा नोट्स देखेंगे अबाउट ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, प्लांट किंगडम, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म. इन पांचों का मैंने नोट्स दिया है. अकॉर्डिंग टू डेट योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज टेरिडोफाइट्स. लार्जेस्ट ऑव्यूल इन प्लांट किंगडम. लार्जेस्ट ऑव्यूल देखिए दिया है, पाइनस, साइकस, थूजा, नेटम. जिम्नोस्पर्म में जाके पढ़िएगा, इसका आंसर होगा साइकस. मैंने नोट मार्क पॉइंट लिखा है आपको, नोट पॉइंट देके. साइकस का जो है लार्जेस्ट ऑव्यूल होता है, लार्जेस्ट ऑव्यूल होता है किसका? साइकस का. एंड ऑल्सो द स्पर्म ऑफ दैट इज साइकस, स्पर्म ऑफ साइकस ये भी सबसे लार्जेस्ट होता है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है, ठीक है ना, डन. सो अकॉर्डिंग टू दैट योर ऑप्शन विल बी साइकस. साइकस जो है सबसे लार्जेस्ट ऑव्यूल होता है, इनका स्पर्म भी लार्जेस्ट होता है,
समथिंग 2 to 15 माइक्रोमीटर ऐसा कुछ होता है इनका साइज। ठीक है, साइज मैं आपको देख के बताती हूँ, स्पर्म की साइज कितनी होती है, 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर इसकी साइज होती है। साइज जानने की जरूरत नहीं है, बस फॉर द इंफॉर्मेशन यू शुड नो। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। प्लांट मटेरियल विच इज यूज्ड इन कल्चर मीडियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस, कोकोनट मिल्क, पाइनस एंड मैंगो। सी कोकोनट मिल्क, दिस हैज सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, दैट इज केमिकल कंपाउंड्स दैट इंड्यूसेस सेल डिविजन, एंड सेल डिविजन इंडक्शन इज डन बाय यू नो साइटोकाइनिन। So, the functions of coconut milk and cytokinin resembles the same. So, the question is, which is used in culture medium is obtained from plant medium. So, the option will be coconut milk, because coconut milk induces cell growth, that is cell division, and this function has important role to connect with cytokinin. Okay, which is a saprophytic angiosperm? Next question is, which is a saprophytic angiosperm? It's Cascata, Neotia, Agaricus, East. So your option will be B, Neotia. Neotia, basically it grows on soil rich humus. Neotia kya hota hai? It's underground stem hota hai ye. Theek hai, विथ रूट ट्यूबस। ठीक है, एंड न्योटिया इज अ पैरासाइट ऑन फंगस, इट्स अ पैरासाइट ऑन फंगस। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं, क्योंकि दे आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, डेट इज माइकोरिजा के बारे में आपने सुना होगा, माइकोरिजा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल बेनिफिटेड होते हैं दोनों, बोथ फंगस और नियोटिया। ठीक है, तो ये पैरासाइट होते हैं, नियोटिया पैरासाइट ऑन फंगस होते हैं। सो योर ऑप्शन इज बी, नियोटिया। ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ब्रायोफाइट्स डू नॉट पॉजेस वैस्कुलर टिश्यू, गैमेटोफाइट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड स्पोर्स। क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है, स्पोर्स भी होता है, एंड दे फॉर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइटिक फेज। ओके, वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट ब्रायोफाइट्स, दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, वेरी फर्स्ट लाइन आई टोल्ड यू, दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एंड फॉर द फर्टिलाइजेशन they have to go to water, that is they need water for fertilization, okay, they need water for fertilization, and that's the reason they don't have vascular tissue. Since the vascular tissues are absent, if the vascular tissue were present, they don't need water for fertilization, because the conduction of water through xylem and phloem takes place, the functions of each of xylem and phloem, the conduction of water, minerals and food and everything. Since vascular tissues is absent, so they has to go to water for fertilization. Okay, so see next question. The heart-shaped fern Prothallis, the Prothallis is the characteristic feature of kiska hai? Ferns. Prothallis is the characteristic feature of ferns. So what happens is that in Prothallis, it contains both Antheridia and Archegonia. Very common names. Antheridia is nothing but male gametes and Archegonia is female gametes, and that too is enclosed inside the Prothallis. And Prothallis, male or female dono gametes hote hain, to usko kya kehte hain? Very simple, is gametophyte. Okay, तो प्रोथेलस क्या है, फर्न है, फर्न का थ्योरी देख लीजिएगा, वहाँ आर्किगोनिया एंथ्रेडिया के बारे में डिटेल्स बताया है मैंने, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, दिस क्वेश्चन। इन ड्राइप्टेरिस द ओपनिंग मैकेनिज्म ऑफ स्पोरेंजियम इज इफेक्टिवली ऑपरेटेड बाय स्टाल्क, स्टोमियम, एन्यूलस एंड पेरिस्टोम।
सो योर ऑप्शन विल बी स्टोमियम. क्या होता है ना कि डायप्टेरिस में 4 मीडियन होता है, ठीक है, उसमें से 2 जो है दे लाई ओवर ऑफ स्पोरेंजियम. When capsule of sporangium, when it matures, 4 lower median of cells, it form, 4 lower median of cells will form tangentially. कैसे form होगा? Tangentially. ठीक है, ये मैं आपको definition of stomium बता दूँ, stomium क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है. तो इसमें से जो 2 मीडियन है, 2 मीडियन दे विल आइडेंटिफाई, व्हाट दे विल आइडेंटिफाई, द प्लेस फ्रॉम वेयर कैप्सूल ओपन्स. ठीक है, मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ. द कैप्सूल ऑफ स्पोरेंजियम, जब स्पोरेंजियम का कैप्सूल जब मैच्योर्स होता है, 4 लोअर मीडियन क्या होता है, सेल्स फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं, टेंजेंशियली फॉर्म होते हैं, ठीक है, और उनमें से जो 2 मीडियन है दे आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम द वेयर द कैप्सूल ओपन्स, जहाँ से कैप्सूल ओपन होता है वहाँ से 2 मीडियन जो है वो आइडेंटिफाई करता है द प्लेस, और उसी को क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं. ओके, सी 13 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट ऑफ सेलाजिनेला हैज, मेल गैमेटोफाइट सेलाजिनेला का बहुत कॉमन एग्जांपल से मैंने आपको बताया है, इसका आंसर होगा इसमें 12 सेल्स ऑफ एंथ्रिडियम होता है एंड 1 प्रोथेलियल सेल होता है. प्रोथेलियल में क्या होगा, एंथ्रिडिया एंड आर्किकोनिया, दैट इज बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा. ठीक है, एंड 12 सेल्स ऑफ एंथ्रिडियम होगा. ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एल्गल जोन ऑफ साइकस कोरनोइड रूट्स. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ऑप्शंस देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, डायटम्स एंड ब्राउन एल्गी. तो इसमें क्या है, साइकस का जो कोरनोइड रूट्स है, देयर इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइकस. कैप्सूल इन द एक्सल ऑफ लीफ एंड एट द टिप ऑफ गैमेटोफोर. सी द ऑप्शन विल बी एट द टिप ऑफ गैमेटोफोर बिकॉज द फ्लोरिया दिस प्लांट इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट्स द गैमेटोफोर. And this funaria, this plant actually shows alternation of generation. Very important. This shows alternation of generation. That is from sporophytic to gametophytic and again gametophytic to sporophytic. That is nothing but alternation of generation. Okay. So these two questions, very interesting questions. So let's see this question. In which portion of cycas diplozyic vascular bodies are found? In case of cycas, na? तो उसमें क्या होता है? Root, stem, leaflet. तीनों में नहीं होता है. Rachis and leaflet में found होता है diplozyic vascular bodies. Okay? Funaria gametophyte. Funaria gametophyte क्या होता है? Dioecious, heterocious, autoecious, monoecious and autoecious. Option में monoecious and autoecious because male gametophyte जो है द फॉर्न ऑफ फॉर्न है ना फ्लेरिया, मेल गैमेटोफाइट इज बॉर्न ऑन द सेम हेड ऑफ दैट प्लांट इज दैट इज प्रेजेंट ऑन हेड ऑफ सेम प्लांट. मेल ऑर्गन्स जो है इट इज प्रेजेंट ऑन द हेड ऑफ दैट सेम प्लांट, इसलिए इसको मोनोसियस एंड ऑटोसियस कहते हैं. और मेल गैमेटोफाइट जो है मोनोसियस भी है और ऑटोसियस भी है. ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. समटाइम्स द फॉर्न प्लांट अराइजेस फ्रॉम
फंड प्रोथेलिस विदाउट फर्टिलाइजेशन? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, जब भी क्वेश्चन विदाउट फर्टिलाइजेशन का आता है तो आपको पार्थेनोकार्पी पार्थेनोजेनेसिस का बात आना चाहिए। फर्टिलाइजेशन के बिना ही वो अराइज होते हैं, जैसे कि फंड प्लांट होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? एग्जाम्पल पार्थेनोकार्पी, एपोगैमी नहीं होगा, एपिसोमी नहीं होगा, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, जाइगोस्पोर और स्पाइरोगायरा एट द टाइम ऑफ मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू फोर न्यूक्लियर, हाउ मेनी न्यूक्लियर डिजेनरेट आउट ऑफ दिस फोर? ठीक है, मैंने आपको नोट्स दिया है। फोर न्यूक्लियर स्पाइरोगायरा का अच्छे से मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया है स्पाइरोगायरा के डिटेल्स में, उसमें फोर न्यूक्लियर फॉर्म होता है, थ्री जो क्या होते हैं, थ्री डिजेनरेट हो जाते हैं एंड इट बिकम्स स्मॉल, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से चारों में से ऑप्शन कौन सा होगा? इट्स थ्री, बिकॉज थ्री ऑफ द सेल्स गेट डिजेनरेट, ओनली वन सेल रिमेन दैट विल कंटिन्यू। ओके, समटाइम्स द फर्न प्लांट अराइजेस फ्रॉम फर्न प्रोथेलिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एपोसोमी, एपोगैमी, पार्थेनोकार्पी, गैमेटोजेनेसिस। तो इसका क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या होगा? इट्स एपोगैमी, क्योंकि जब भी कोई फर्न प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन अराइजेस होगा उस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? एपोगैमी। ओके, जाइगोस्पोर और स्पाइरोगायरा एट द टाइम ऑफ मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू फोर न्यूक्लियर, फोर न्यूक्लियर डिवाइड होता है, उनमें से क्या होता है, कितने डीजेनरेट होते हैं? फोर न्यूक्लियर होते हैं, थ्री डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, एंड दे बिकम थ्री डीजेनरेट एंड दे बिकम स्मॉल, द फोर्थ वन दैट बिकम्स लार्ज। ठीक है, एंड दे विल कंटिन्यू द साइकिल, सो योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थ्री, थ्री विल डीजेनरेट। ओके, दिस क्वेश्चन, साइकस इज मोनोसियस, बाइसेक्शुअल, डायसियस, होमोफोलाइक? साइकस जो है डायसियस है, साइकस में क्या होता है, माइक्रो एंड मेगास्पोर्स होता है, मेगास्पोरिंजियम। ठीक है, this is male, micro is male, mega is female, and this is born on microsporophyll and megasporophyll, then next question, the drug belladonna is obtained from atropa, opium, rauwolfia and solanum. Dekhi, belladonna is a very common drug, it's an alkaloid and it's obtained from atropa belladonna. Iska naam kya hai? Full name atropa belladonna. Basically it is used to relieve and cure pain. Matlab ek alkaloid hai, agar iske aap use karte hain to kisi ko kis tarah ki pain ho rahi hai to wo relieve karta hai, nothing else, it's an alkaloid. Okay, so this is important question. So let's see this question. Algae are useful because they purify the atmosphere, large number used in fermentation and this is for the respiration. Algae ka very important role hota hai, they take in CO2 and release oxygen, that helps to the purify the atmosphere. Algae plays a very important role in purifying the atmosphere. Okay, the plant body of Fusarium is sporophyte, gametophyte, predominant sporophyte with independent gametophyte, predominantly gametophyte with dependent sporophyte. Your answer will be predominantly gametophyte with dependent sporophyte. ठीक है, तो diploid होता है और partially they depend on gametophyte for the nutrition. Okay, so the option is option number B. So I have discussed most probable questions related to plant kingdom. There are many more to discuss. We'll discuss in the next class. If you have any doubts regarding any question, you can comment me in the comment section. You can WhatsApp me or you can mail me. So with this, I'll conclude my class today. Thank you so much.